नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। आज हम परसेंटेज का सम करने जा रहे हैं। देखिए, ये सम जो है डी ग्रुप के लेवल का है, ठीक है। तो आइए ये एक सम हम करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक सम है, किसी भी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, देखिए आपको पता होगा जैसे भिन्न होता है, भिन्न में ऊपर अंश होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का भिन्न, ठीक है। तो वही भिन्न एक दे दिया है, बोला है ये भिन्न आ रहा है अंश में, अगर जो 10% हम इंक्रीज किए हुए हैं और जो नीचे का दिया हुआ है यानी कि हर, उसमें हम कम कर दिए हैं, 12% डिक्रीज कर दिए हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। देखिए ये है, 15 ऊपर अंश लिख दिए हैं और नीचे 64, ठीक है, जो दिया हुआ है ये लिख लिए हम लोग इस तरह, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, किसी अंश में 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें 10% का वृद्धि हुआ हुआ है, पहले जो था उसमें 10% का वृद्धि, यानी कि ये जो अब आया है ये 110 के बराबर है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, 10% का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो ये 110 के बराबर हुआ, तो 100% कितना होगा, ये आ जाएगा। अब देखिए जो यहाँ है और हर में क्या हुआ है, 12% कम हुआ है। जब 12% कम हुआ है इसमें, तो ये कितने परसेंट के बराबर हुआ, ये हुआ 88 के बराबर, तो इसका 100% कितना होगा, हमको यही बस निकाल देना है। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 15/110 × 100, और ये जो है इसको अगर जो हम ऊपर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू में, डिवाइड को, इस डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 88 ऊपर हो जाएगा 64 × 100, ठीक है। ये वाला ऊपर, ये दोनों नीचे, ठीक है। आइए काट देते हैं, 100 से 100 कट गया, ठीक है। और देखिए 11 से काट देते हैं इसको, 11 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 11 से 8 बार में कटेगा, 8 64, फिर 5 से 15 और 5 × 10, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या होगा, 3/16, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पहले था और उसमें यानी 3 ऊपर था, इसमें 10% इंक्रीज किए हैं, ठीक है, और 16 नीचे होगा यानी हर में, उसमें हम 12% कम किए हैं, ये जो 12% दिख रहा है ये 12% कम किए हैं, तो मेरा इतना था, 12% कम करने पे ये मेरा आया है, ठीक है। तो ये मेरा इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद ये मेरा आया हुआ है, पहले का वैल्यू ये मेरा निकल गया है, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर सम करते हैं, आइए दूसरा सम देखते हैं। लिखा हुआ है रमेश के वेतन में 20% वृद्धि करने पर यानी इंक्रीज करने पे, ठीक है, की गई उसके बाद बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। देखिए बोल रहा है क्या, 20% इंक्रीज हुआ है, तो एक तो हम मान लेते हैं उसका 100 था, ठीक है, उसका 100 था, अब 20% इसमें ऐड हो गया है, इंक्रीज हुआ है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 120%। और फिर बोल रहा है बढ़े हुए वेतन पे 20% कम कर दिया, यानी कि इस पे बढ़ कर ये आया है, ठीक है। 20% कम करने का मतलब क्या, 80%, 20% कम करने का मतलब क्या, अब इसका 80% वेतन हो गया, तो ठीक है, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, 180, ठीक है, और इससे इससे कट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 96। तो देखिए क्या बोल रहा है, अब मेरा ये हो गया 96, और तो बोल रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो इसको देखिए हानि हुआ, पहले इसका कितना था, 100 था, अब हो गया 96, ठीक है, यानी कि 4% कम हुआ। देखिए इसका एक और भी तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए 20% इंक्रीजमेंट हुआ, तो आप लिख दीजिए किसी भी चीज़ में 20% ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर 20% डिक्रीज हुआ है तो 20% डिक्रीज लिख दिए, फिर क्या करना होता है,
देखते हैं यहाँ पे 20 इंक्रीज हुआ है, 20 डिक्रीज हुआ है, तो इन दोनों में साइन में इंटू होगा, तो माइनस प्लस, माइनस प्लस और इंटू करते हैं माइनस प्लस में, तो माइनस ही होगा और इन दोनों का इंटू और डिवाइड 100, बस ये लिख दीजिए, काट दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा तुरंत। तो देखिए ये दोनों क्या हुआ, कट गया, माइनस और प्लस जीरो यहाँ पे आएगा, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो ये देखिए 4 के सामने माइनस आ रहा है इसलिए माइनस आएगा, इसका मतलब क्या है, ये हानि हुआ, ठीक है, यानी कि 4% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब भाई ये एक दूसरा सम करते हैं, देखिए एक व्यक्ति का मासिक आय 12% बचत करता है, ठीक है, मासिक आय जो है उसमें 12% वो बचा लेता है, यानी कि वो खर्च कितना कर देता है, 88%, ठीक है, उसका मासिक खर्च दे दिया इतना। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मासिक आय 100 है मान लेते हैं, ठीक है, टोटल इनकम मान लेते हैं एक महीने का 100 है, बचाता कितना है, वो सेव कर लेता है, सेव करता है 12, यानी कि 88 क्या करता है, उसका खर्च हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा पहले भी हम लोग सम किए हैं, तो ये मेरा खर्च पता है 9680, तो खर्च को यहाँ पे लिख देंगे, खर्च के नीचे इतना परसेंट, और बोला उसका मासिक आय यानी कि टोटल मेरा इनकम महीने का कितना है 100, बस अब इसको काट दीजिए आ जाएगा, ठीक है। तो छोटा छोटा पहले काट लेते हैं, अंक से 4 से काटते हैं, 4 × 8 4 से 4 × 8 4 × 2 = 0, ठीक है। अब देखिए कट गया 110, ठीक है, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 11 हजार, ठीक है, यानी कि उसका जो मासिक आया था इतना था, ठीक है। अब आइए अगले सवाल में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक ए हो गया और बी हो गया, ठीक है, बोल रहे एक उम्मीदवार को कुल मतों का 41% प्राप्त हुआ है, मान लेते हैं इसको 41 मिला है, यानी इसको कितना मिला होगा, 59, ठीक है, एक को 41 मिला है तो दूसरे को यानी कि 59 मिला होगा, ठीक है, मतों प्राप्त किया और वह इतना मत से हार गया, यानी कि ए जो है 41 पा रहा है और इस ये हार कितना रहा है इससे, बी से कितना से हार जा रहा है, 5580, ठीक है, इतना से हार गया, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो अंतर है परसेंटेज का वो इसके बराबर होगा, ठीक है, तो 59 - 41 = 81, यानी कि ये जो है मेरा क्या होगा, इसके बराबर है, यानी 18% से आ रहा है, ये 18% से आ रहा है, ठीक है, ये परसेंटेज है 18% से आ रहा है और ये उसका अंतर बता रहा है, ठीक है, तो बस सिंपल है, हम जैसे यहाँ पे किए थे सेम वैसे ही करेंगे, ये मत इक्वल टू जितना कम हुआ है और यहाँ पे जितना कम आ रहा है 18 × हमको क्या करना है, पूरा 100% पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या यानी कि कुल मत 100 था इन दोनों का टोटल 100, तो 100% निकाल देंगे, ठीक है, तो इसको हम काट लेते हैं, यहाँ पे आएगा 3, 1, ठीक है, और ये 0, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 0 और 2 0, यानी कि टोटल वहाँ का कुल मतों का संख्या था 31। तो दोस्तों ये था हम लोग का परसेंटेज का सम, जो डी ग्रुप में आने का चांस है, इस तरह का सम डी ग्रुप रेलवे में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, और जो आपका ये SSC का है जो 12 लेवल 10 लेवल पे है उसमें भी इस तरह का सवाल आ सकता है। तो दोस्तों अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर जो आप ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।